दोस्तों आज देख सकते हैं मेरे पास एक ख़राब चार्जर है, ये ख़राब मोबाइल का चार्जर है और इसकी मदद से आज हम एलईडी बल्ब को बनाने वाले हैं। दोस्तों आमतौर पे होता क्या है, एलईडी बल्ब के अंदर जो ये पैनल लगा होता है, इस पैनल को जलाने के लिए एक ड्राइवर की हमको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका ड्राइवर ख़राब हो जाता है, आप उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो कैसे आप मोबाइल के ख़राब चार्जर से इस एलईडी पैनल को जलाएंगे, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। तो आइए इसको खोलते हैं, इस चार्जर को मैं पहले खोल लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ एक लगा हुआ है, एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, और इसमें डायोड लगे होते हैं जिसका नंबर है IN4007। इस डायोड को हमको निकालना है और एक कैपेसिटर जो लगा हुआ है, इस कैपेसिटर को भी हमको निकालना है। तो इन तीन कंपोनेंट को हमको इस सर्किट से बाहर निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को निकाल लेते हैं। तो एक कैपेसिटर हमारा है 1UF 400 वोल्ट, तो इसको हम यहाँ साइड में रख दे रहे हैं। और यहाँ जो चार डायोड लगे हुए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ मैं चारों डायोड को निकाल लिया हूँ, इसको साइड कर देते हैं। और यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं रेजिस्टेंस को भी निकाल लिया हूँ। अब हमको क्या करना है, क्योंकि ये हम पुराने चार्जर से निकाले हैं, इसमें कौन सा सही है कौन सा ख़राब है हमको पता नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मल्टीमीटर से इन कंपोनेंट का हमको चेकिंग करना होगा। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बजर के रेंज में रख लेंगे, कंटिन्यूटी रेंज में रख लेंगे। और कैपेसिटर ये जो हमारा है, इसके दोनों पिनों पे मीटर का दोनों प्लॉट रखेंगे। आप देखें यहाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए दोनों प्लॉट यहाँ रख के और अब हटा लेंगे। और अब मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट के रेंज में रख लेते हैं। और अब यहाँ हम देखेंगे कंडेंसर को पलट लेते हैं। अब यहाँ अगर कोई वैल्यू इसको बताना चाहिए, देखिए यहाँ, और धीरे धीरे डाउन हो रहा है, मतलब हमारा जो हम वहाँ कंटिन्यूटी रेंज पे रखे हैं, तो हमारा जो कैपेसिटर था ये चार्ज हो गया और ये फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। इस तरह से अगर आपका कैपेसिटर बताता है तो आपका कैपेसिटर एकदम ओके है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा डायोड की हम चेकिंग करते हैं। ये डायोड जो होता है, ये एक मार्गी चालक होता है, यह आपको एक ओर से कंटिन्यूटी देता है और दूसरे ओर से कंटिन्यूटी नहीं देता है। इसकी चेकिंग हम बजर के रेंज में रख के, मीटर को हम रखेंगे कंटिन्यूटी रेंज में, और एक पिन पे दूसरा एक प्राड और दूसरे पिन पे दूसरा प्राड रखेंगे। यहाँ देखिए रीडिंग दे रहा है। अब यहाँ हम ये डायोड को पलट लेते हैं। तो पलट के हम जब यहाँ रखेंगे, यहाँ देखिए कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। अगर आपका डायोड इस तरह का रीडिंग, एक ओर से रीडिंग दे रहा है और एक ओर से रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपका डायोड सही है। अगर यह बीप की आवाज़ देता है या दोनों ओर से रीडिंग देता है, तो हमारा यह डायोड ख़राब हो सकता है। तो हम चारों डायोड की चेकिंग कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो हमारा चारों डायोड सही है और इस रेजिस्टेंस की हम चेकिंग करेंगे। रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, क्योंकि ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, इसको आप कंटिन्यूटी रेंज में ही रख के चेक कर लेंगे। ये बीप की आवाज़ दे रहा है, इसका मतलब हमारा ये रेजिस्टेंस सही है। अब दोस्तों ये हमारे जो डायोड हैं, इनके सारे लेग टेढ़े टेढ़े हैं, इनको सबसे पहले हमको सीधा करना होगा। तो मैं चारों डायोड का जो लेग है, इसको सीधा करके फिर आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ चारों डायोड का मैं जो लेग है वो सीधा कर दिया हूँ। अब हमको बनाना है इसका ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर आपको बनाने आता हो तो ठीक है, नहीं बनाने आता तो ध्यान से देखिएगा। दो डायोड को लेना है और इस पर आप देखेंगे ये सफ़ेद पट्टी होता है एक ओर, और एक ओर ब्लैक पट्टी होता है और दूसरे साइड सफ़ेद पट्टी होता है। हमको क्या करना है, इन ऐसे दोनों का सफ़ेद पट्टी हमको आपस में यहाँ जोड़ देना है, ऐसे आपको जोड़ देना है, ठीक। अब जो दो डायोड और हैं, इनको हमें लेना है, और दो डायोड को आप देखिए इसका, अब जो काला दोनों ब्लैक, जो ब्लैक पट्टी है और एक और सफ़ेद है, तो हमको ब्लैक वाले को
आपको दिखा देते हैं, ये जो ब्लैक है हमको ऐसे जोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं जो दोनों ब्लैक है, दोनों ब्लैक का ब्लैक एक साइड में हम जोड़ते हैं और जो दूसरा वाला है इसका हम जो सफ़ेद पट्टी है उसका दोनों का एक साइड में जोड़ दिए हैं। अब हमको क्या करना है, ये दोनों को आप ऐसे रखेंगे। अब आप चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, आप किसी भी ओर ऐसे करके और दोनों को हमको सोल्ड कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ब्रिज बन के पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हमको ये देखना है जो सफ़ेद पट्टी दोनों है ये हमारा हो गया प्लस, और जो ब्लैक पट्टी है ये हो गया हमारा माइनस। यानी हमारा यहाँ से डीसी जो हमको डायोड का काम क्या है, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, कन्वर्ट करना। तो यहाँ हमारा ये प्लस डीसी निकलेगा और ये माइनस निकलेगा, और जो हमारा मेन एसी आएगा वो हमको एक इस पॉइंट पे और दूसरा हमको इस पॉइंट पे देना है। तो हमको अब यहाँ क्या करना है, इस कैपेसिटर को जोड़ देना है। कैपेसिटर में यहाँ प्लस माइनस जो होता है, यहाँ ये जो पट्टी होती है ये माइनस होता है और जिधर कोई पट्टी नहीं होता है वो हमारा प्लस होता है। तो प्लस माइनस हमको कहाँ जोड़ना है, जो हमारा डायोड का जो सफ़ेद पट्टी वाला है दोनों, हाँ यहाँ देखिए ये जो सफ़ेद दोनों पट्टी वाला है ये हमारा प्लस हुआ, तो हमारे कैपेसिटर का जो प्लस है वो यहाँ जुड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ कैपेसिटर का जो मेरा वायर है वो छोटा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं कैपेसिटर के लेग को वायर जोड़ के बड़ा कर दिया हूँ। अब हमको यहाँ देखिए ये हमारा हुआ प्लस, ये वाला प्लस हुआ और ये माइनस है। तो हमको यहाँ इस डायोड का जो सफ़ेद पट्टी वाला है प्लस, यहाँ इसे लगाना है और यहाँ लगा के इसको जो सफ़ेद पट्टी है वहाँ पे हमको प्लस जोड़ देना है और जो ब्लैक पट्टी है यहाँ हमको माइनस जोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जो हमारा ब्लैक पट्टी, यहाँ हमारा माइनस है और ये प्लस। अब हमको क्या करना है, अब इसके साथ हमको एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं ख़राब जो टार्च होते हैं चाइना वाले, उस टार्च में से निकाला हूँ। ये आप इसका नंबर देख सकते हैं 564J 400 वोल्ट। और इसको अब कहाँ जोड़ना है हमें, अब जो हमारी दो लेग बची हुई हैं ये, इनमें से किसी भी एक पे, चाहे इस पे आप जोड़िए चाहे इस पे जोड़िए, किसी भी एक पिन पे हमको इसको जोड़ देना है। अब दोस्तों एक हमारा जो रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस को हमको यहाँ पे जोड़ देना है, जो हमारा एक लेग बचा हुआ है इस पे जोड़ देना है। अब यहाँ ये हमारा ब्रिज का पूरा सर्किट बन के तैयार हो गया है। अब हम एक वायर लेंगे, एक इस तरह का वायर ले लेंगे और यहाँ जिसका जो प्लस है आप देख सकते हैं, ये जो प्लस है और ये माइनस है, इन प्लस माइनस पे हमको दो वायर सोल्ड कर लेना है। दोस्तों यहाँ मैं देखिए आप ये माइनस का और ये प्लस का वायर जोड़ दिया हूँ। अब हमको एक ख़राब एलईडी बल्ब जिसमें हमारा कुछ भी अंदर का देखिए कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ से दो वायर निकाल लेना है। और चूंकि यहाँ अंदर ड्राइवर लगता है, ड्राइवर लग के तब हम इस प्लेट को जलाते हैं, इस बल्ब को, इस तरह का ड्राइवर यूज किया जाता है। अगर ये ड्राइवर आपका ख़राब है, बनने लायक नहीं है या नहीं रिपेयर कर पाते हैं, तो इस तरह का आप जुगाड़ करके इसको आराम से जला सकते हैं। अब हमको इसके दो वायर कहाँ सोल्ड करने हैं अब आपको मैं बता देता हूँ। तो अब इन दोनों वायर को हमको कहाँ जोड़ना है, एक कैपेसिटर के इस पॉइंट पे जोड़ देना है। मैं इसको यहाँ जोड़ देता हूँ और ये जो दूसरा वायर है यह हमको इस रेजिस्टेंस के एक पिन पे जोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक तार, एक वायर यहाँ जुड़ गया और एक वायर दूसरा रेजिस्टेंस पे। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसको अंदर हमको फिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ हम थोड़ा देते हैं इसको ऐसे मोड़, ऐसे मोड़ देंगे, थोड़ा देख लेते हैं फिट हो जाएगा कि नहीं। हाँ यहाँ मुड़ जाए, फिट हो जाएगा। और रेजिस्टेंस को भी थोड़ा सा ऐसे हम मोड़ लेते हैं। अब यहाँ अंदर हमको डालना है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ऐसे डाल देते हैं तो यहाँ देखिए ये सिल्वर पट्टी सिल्वर होता है तो शॉर्ट हो जाएगा और हमारा ये सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो इसे हमें क्या करना है, एक टेप लेके इसको पूरी अच्छी तरह से इसको लपेट के मतलब फिक्स कर देना है ऐसे, देखिए, जिससे हमारा अंदर शॉर्टिंग ना हो। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छी तरह से पैक कर दिया है और अब यहाँ अंदर हम इसको
डाल देंगे। और इसका जो यहाँ ये टिक्की होता है, इस पे हम दोनों वायर यहाँ से निकाल लेंगे और दोनों वायर निकाल के यहाँ पे इसको हम इसे लगा देते हैं। और जो हमारा बल्ब है, ये इस बल्ब को भी यहाँ दोनों वायर ऐसे डाल के और यहाँ नट से अच्छी तरह से यहाँ टाइट कर देंगे। तो यहाँ देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से फिट कर दिया हूँ। अब हमको जो प्लस है प्लस पे और माइनस को माइनस पे हमको जोड़ देना है। अब जो हमारा रेड वायर है, ये हम प्लस बनाए हैं, वहाँ से प्लस आ रहा है, तो इसको प्लस पे हम यहाँ ऐसे जोड़ देंगे। और जो ये सफ़ेद वाला है, ये हमारा माइनस है, तो इसके माइनस पे इसको हम भी जोड़ देते हैं। और जो यहाँ पढ़ा हुआ वायर है, इसको अंदर ऐसे करके डाल देंगे। अब दोस्तों, ये मेरा बल्ब बन के एकदम कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम चलिए आपको इसको जला के दिखाते हैं। तो यहाँ मेरा सप्लाई है, ये सीरीज बोर्ड, मैं इस प्लग या होल्डर वाला लगा लिया हूँ प्लग, तो यहाँ मैं लगाता हूँ। आप देखिए, यहाँ ये बल्ब हमारा अच्छी तरह से जल रहा है, फुल रोशनी के साथ ये जल रहा है। आपको मैं थोड़ा लाइट बुझा के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ फुल रोशनी के साथ ये जल रहा है। अब इसके हम कैप को लगा देते हैं, यहाँ जो इसका कवर होता है बाहर का ढक्कन। आप देखिए, ढक्कन लगाने के बाद ये अच्छी तरह से ये जल रहा है। तो ऐसे ही आप किसी भी ख़राब मोबाइल के चार्जर से LED बल्ब को आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।